बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मेरे सब बहन भाई? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी दिली मुरादें पूरी करें। मैं हूँ आपकी सिस्टर सैयदा शांजा और आप देख रहे हैं खिदमत गुजार चैनल, और खिदमत गुजार चैनल में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम फूल जैसे बच्चों की फरमाइश के मुताबिक नान के साथ आलू वाली टिक्कियां बना रहे हैं। चलिए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी नाजरीन, अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर सिस्टर जो है वो आलू वाली टिक्कियां बनाने के लिए मटेरियल तैयार कर रहे हैं। नाजरीन, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होने हैं उनके नाम आपको मैं बताती चलूं। लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, कटा हुआ धनिया, कुटा हुआ अनारदाना, कटी हुई सब्ज मिर्च और चॉप की हुई प्याज, कुटा हुआ गरम मसाला और नमक जो है वो हसबे जायका, और आलू जो है जो कि हमने पहले से उबाल रखे हुए हैं और इसका जो है वो हमने पेस्ट तैयार किया हुआ है। जी आज़े, अब इसमें पिसी हुई जो है वो लाल मिर्च जो है हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून, क्योंकि इनको नन्हे नन्हे बच्चों ने खाना है इसलिए जो है पिसी हुई लाल मिर्च की मकदार वो कम रखेंगे। अब इसमें जो है हम नमक ऐड करने लगे जो कि हसबे जायका है। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मिर्च अब इसमें ऐड करेंगे। वो इसमें ऐड कर चॉप की प्याज जो है इसमें ऐड करेंगे। कुटा हुआ जो है वो अनारदाना इसमें ऐड करेंगे। टू टेबल स्पून कुटा हुआ गरम मसाला, कटा हुआ धनिया अब इसमें ऐड करेंगे। अब हम इन तमाम चीजों को अपने हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो मेजा है वो तैयार हो चुका है और ये बेसन है जो कि हम टिक्कियों के ऊपर लगाएंगे। बेसन को भी हम जरा तैयार कर लें। इसका भी 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हसबे जायका नमक, अब इसमें जो है वो हम वाटर ऐड करेंगे थोड़ा सा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी जो है वो अब हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे। ये टिक्कियां जो है वो अब गोल शेप में तैयार कर ली हैं। अब इस पर जो है वो बेसन लगा के इसे अब ऑयल में जो है वो डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हमने पहले से गरम कर रखा हुआ है। सिस्टर जो है टिक्की को बेसन के पेस्ट में डंक करके ऑयल में फ्राई करेंगी एक एक करके। गरम गरम ऑयल में टिक्कियां जो है वो फ्राई हो रही हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। स्टेन कर लेंगे। अब हम इसको प्लेट में निकालने लगे हैं। टिक्कियां जो है वो तैयार हो चुकी हैं और इन टिक्कियों को हम नान के साथ, टिक्कियां जो है वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे नान के साथ पैक करेंगे। चापर जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब
अब हम इन प्यारे बच्चों में जो है वो तकसीम करने लगे हैं। पाल जमाने दे आले नबी ने जीड़े दुनिया च सैयदां दे आबाद लैन वेड़े जैसा कि नाजरीन हम प्यारे बच्चों में खाना तकसीम कर चुके हैं, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है। मैं आपसे दो शेयर जो है वो शेयर आपसे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कोई तो है वो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दुनिया में हर चीज़ है इला शरीक, वही है वादाहु ला शरीक। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे और खुश रखे। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस वीडियो को फर्दर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कोई गलती खुताई हो गई हो हमसे तो मैं माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, ओके, अल्लाह हाफ।